أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to Satkyan Education Services How are you students? I hope you all are fine Today we will start the chapter number 11 of Social Studies Let's begin Students, this is your first lecture of chapter number 11. The title of chapter number 11 is Industry in Pakistan. And the topics I will explain you in today's lecture are Definition of Industry in Pakistan, Major Ceramics Industry in Pakistan, Industries in Pakistan, Heavy Industries in Pakistan, Definition of Export, Definition of Import, Major Imports and Exports of Pakistan, Balance of Import and Export. Industry in Pakistan. Definition. Industry refers to that sector of economy which is related with manufacturing and production of different products. जो आपके industry है वो refer करती है किसी भी मुल्क के economy से और कैसी economy जो चीजों को बनाने और produce करने में मदद दे रही हो और उसके रिजल्ट में किसी मुल्क की इकोनॉमी तरक्की कर रही हो उसे वो जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है मेजर सेरेमिक्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान द मेजर सेरेमिक्स इंडस्ट्री आर कराम सेरेमिक्स सवात सेरेमिक्स मास्टर टाइल्स शबी टाइल्स and Emco industries and these ceramic industries are divided in different provinces of Pakistan such as Punjab 73% Balochistan 3% Sindh 5% NWFP 19% GDP also contribute जो सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की उनमें कराम सेरेमिक्स सवात सेरेमिक्स मास्टर टाइल्स शबी टाइल्स एंड एमको इंडस्ट्रीज ये तमाम की तमाम सेरेमिक इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में इस तरह डिवाइड हैं कि पंजाब में 73% है बलूचिस्तान में 3% सिंध में 3% एनडब्ल्यूएफपी 19% और जीटीपी में भी इसका कंट्रीब्यूशन है देन द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पोर्ट्स इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री सर्जिकल इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री डिफेंस इंडस्ट्री automobile industries fashion industry fertilizer industry oil and ghee industries chemical industries these are the name of industries which are present in pakistan heavy industries in pakistan heavy industries consist of textile industry sugar industry cement industry vegetable ghee and cooking oil chemical fertilizer industry definition of export the term export is derived from the conceptual meaning as to ship the goods and services out of the port of a
country. The seller of such goods and services is referred as an exporter who is based in the country of export, whereas the overseas based buying is referred to as an importer. एक्सपोर्टर की डेफिनेशन क्या है कि हम अपने मुल्क से जो है वो चीजें जिन जो हमारे मुल्क में हमारी जरूरत से ज्यादा पैदा हो रही हैं उनको दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर दें अपने कंट्री से, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना. और वो लोग जो कि ये काम कर रहे होते हैं कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में ये चीजें जो है वो ले जाने का काम कर रहे होते हैं उन्हें हम एक्सपोर्टर कहते हैं. और इसी के अगेंस्ट हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो चीजें जिनकी हमारे मुल्क में कमी है वो दूसरे मुल्क से लेकर आ रहे होते हैं, तो वो लोग जो लेकर आ रहे होते हैं चीजें उन्हें हम इम्पोर्टर कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट. अ गुड और सर्विस ब्रॉट इनटू वन कंट्री from another along with export imports form the backbone of international trade. The higher the value of imports entering a country compared to the value of exports, the more negative that country's balance of trade become. Import kya hai, kisi mulk se jo hai hum हमारे दूसरों चीजें जो हैं जो हमारे मुल्क में कम है वो लें, उसे हम इम्पोर्ट कहते हैं. अब पीछे हम पढ़ के आए एक्सपोर्ट, यानी जो हमारी जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे मुल्क में है उसे हम दूसरे मुल्क को जहां उनकी जरूरत है उन्हें दे दें, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं. अब ये जो लेना और देना है ये किसी भी जो है वो बैनुल अक्वामी मुल्क के लिए एक बैनुल अक्वामी तिजारत में एक खास हैसियत रखता है. अगर कोई भी मुल्क ऐसा है जिसमें जो इम्पोर्ट्स है यानी ज्यादा चीजें जो हैं वो दूसरे मुल्कों से ले रहा है और उसके मुकाबले में जो चीज हम दूसरों को दे रहे हैं वो कम है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो सिचुएशन जो है वो उस मुल्क के जो की जो तिजारत है उसके बैलेंस पर नेगेटिव असर डालती है. मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. मेजर एक्सपोर्ट्स रॉ कॉटन, textile products and cotton yarn, rice, leather and leather products, carpets and rugs, tents, synthetic textiles, surgical instruments, sports goods, ready-made garments, vegetable, fruit and fish, engineering goods, chemicals and pharmaceutical products. Major imports of Pakistan: machinery, petroleum, chemicals, vehicles and spare parts, edible oil, wheat, tea, fertilizers, plastic material, paper board, iron ore and steel, pharmaceutical products. Balance of import and export. A country that imports more goods and services than it exports in terms of value has a trade deficit. Conversely, a country that exports more goods and services than it imports has a trade surplus. The formula for calculating the both can be simplified as the total value of import minus the total value of exports. अब
जो टोटल वैल्यू है जो हमने दूसरों से ली हैं चीजें, हासिल की हैं, और वो जो हमने अपने पास से दूसरी कंट्रीज को, दूसरे मुल्कों को दी हैं, उनमें बैलेंस रखना जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा? अगर कोई कंट्री ऐसी है जो इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, ले ज्यादा चीजें रही है दूसरी ममालिक से और उनको दे कम चीजें रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि उस मुल्क की जो तिजारत होगी वो खसारे में चली जाएगी। इसके बरक्स अगर ऐसी कंट्री है जो जो एक्सपोर्ट देने की जो मकदार है, अपनी मुल्क की ज्यादा पैदावार को दूसरे मुल्क में ट्रांसफर करने की मकदार जो है वो ज्यादा होगी और लेने की मकदार जो है वो कम होगी, तो उसके रिजल्ट में वो कंट्री जो है वो उसकी तिजारत मुनाफे में जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो चीजें आपने उनसे ली हैं, इम्पोर्ट की हैं, ठीक है, थीके? उनको आप जो है वो माइनस कर दें उन चीजों में से जिन जो उन्हें दी हैं, तो आप चल जाएगा कि आपकी कंट्री जो है वो खसारे में गई है या मुनाफे में गई है। यस स्टूडेंट्स, देन द होम टास्क, मेक द टाइटल पेज ऑफ द चैप्टर विद समरी, रीड द चैप्टर थॉरली, द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर विल बी डन इन आवर नेक्स्ट क्लास, सॉल्व द वर्कशीट फ्रॉम PDF, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, द आंसर सी इन लेक्चर। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू डेवलप एज मच इंडस्ट्री एज पॉसिबल, आंसर से इन PDF। व्हाई इट इज अ गुड आइडिया टू यूज एज मच होम प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल एज पॉसिबल, आंसर सी इन PDF। सो दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। Take good care of yourself. We will meet soon, inshallah. Allah Hafiz.